जल्द ही कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने जा रहे नए शो पिशाचनी के लिए टीवी की वंडरफुल एक्ट्रेस नयारा बैनर्जी रानी के खुनखार किरदार में बिल्कुल फिट बैठकर सेलेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नयारा बैनर्जी मेकर्स की पहली पसंद तो थी ही नहीं, बल्कि इनसे पहले तो टीवी की 5 एक्ट्रेस को ये सुनहरा रोल ऑफर हुआ, पर वो अपनी बदकिस्मती और अलग अलग रीजंस के चलते रिजेक्ट हो गयी। तो आखिरकार कौन कौन सी है वो एक्ट्रेसेस जो पिशाचनी शो के लिए रिजेक्ट हो गयी, आइए उनसे मिलकर इसके पीछे का रीजन जानते हैं। नंबर 1, निया शर्मा। एक हजारों में मेरी बहना है शो से बड़ा नाम कमाने वाली अभिनेत्री निया शर्मा को सबसे पहले पिशाचनी का रोल मिला था, मगर ये अपने पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी हैं कि इन्होंने खुद इसको ठुकरा दिया। नंबर 2, रीम शेख। वही सबकी प्यारी दुलारी एक्ट्रेस रीम शेख भी पिशाचनी शो का हिस्सा इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि इन दिनों ये अपने पॉपुलर शो फनाइश्क में मरजावा में काम कर रही हैं, जहां से इन्हें इतना कुछ मिल रहा है कि ये खुद अपने फेम शो को छोड़कर दूसरे किसी शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं। नंबर 3, तेजस्वी प्रकाश। नए शो पिशाचनी के रोल के लिए टीवी की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भी रिजेक्ट हो गई हैं, क्योंकि जहां एक तरफ से ये नागिन 6 सीरियल में काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इन पर पिशाचनी का रोल और लुक बिल्कुल भी नहीं जचा, जिसके चलते मेकर्स की तरफ से ही इन्हें शो में लेने के लिए मनाही हो गई। नंबर 4, सुरभि चांदना। अपने खुशनुमा अंदाज से मशहूर एक्ट्रेस सुरभि चांदना जल्दी कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले नए शो शेर दिल शेर गिल का हिस्सा बनने वाली हैं, इसीलिए इन्होंने भी खुद पिशाचनी के रोल को ठुकरा दिया है। नंबर 5, शिवांगी जोशी। भले ही एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आ रही हैं, लेकिन इनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है, इसलिए ये फिलहाल घर पर खाली बैठी हैं, जिसके चलते इन्हें पिशाचनी में काम करने का मौका मिल रहा था, पर इनकी फीस को लेकर बढ़ती डिमांड के चलते मेकर्स ने खुद इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये एक हाई फीस डिमांडेड एक्ट्रेस है। वेल दोस्तों, आप पिशाचनी शो में किस एक्ट्रेस को देखने की चाह रखते थे, आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।